किस तरीके से उठाना? हाँ, हमारी गारंटियों के तो मुकाबला कर रही है ईडी से, नंबर एक। नंबर दो, आपको आश्चर्य होगा, ईडी कभी अभी तक भी प्रेस नोट जारी नहीं कर रही है कि अमुक व्यक्तियों को हम क्यों उनके घर में छापे डाले, ये डाली, क्या मिला वहां पर हमें, क्या कागजात मिले, कितना कैश मिला, कोई प्रेस नोट जारी नहीं होता। ना वो प्रेस से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है? बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी कोई ईडी की स्पोक्समैन बन गई है। अब कल्पना करो, बीजेपी स्पोक्समैन के रूप में काम कर रही है अभी, और राजस्थान में जब सफाई हो जाएगा, जिस प्रकार हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दत्तात्रेय जी के यहाँ पर बिना कोई कारण के ना कोई मुकदमा उनके खिलाफ, ना कोई कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट ड्यूटी कर दो और पहुंच जाओ, मेरे संग वैभव गहलोत कोई केस है ही नहीं उनके खिलाफ। 10-12 साल पहले वो किट सुमैया जी आरोप लगा दी, फिर देते रास्ता भर के अंदर एक टैक्सी है, 15-20-25 टैक्सियों की कंपनी है उनकी खाली पर, और कुछ नहीं है। और जो होटल के मालिक का पार्टनर था इनका, कोई होटल की कंपनी ने क्या उनका शेयर मार्केट में लेन देन रहा हो तो वो जाने। मिस्टर वैभव गहलोत क्या संबंध इससे? सिंपली नोटिस दे दिया, एक दिन पहले नोटिस आता है, नेक्स्ट डे आप हाजिर हो दिल्ली में ईडी के अंदर। ये जिस प्रकार से अप्रोच इनकी रखी है, पूरा देश देख रहा है, इनको माफ नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।